लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुरहानपुर में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह पहुंच गए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जाकर बैठ गए और अफसरों की क्लास लेना शुरू कर दी। सबसे पहले तो देखा कि कितने अधिकारी मौजूद हैं, पर 52 अधिकारी होने चाहिए थे लेकिन सिर्फ 18 अधिकारी मिले। इसमें भी कुछ विभागों के सहयोगी ही थे। यह देखकर विधायक नाराज हो गए। अपर कलेक्टर रोमोनोस टोपो सिटी मजिस्ट्रेट सैली कनाज से तीखे लहजे में बोले, जनसुनवाई मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी, अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है? आप लोग अधिकारियों को बोलते क्यों नहीं हैं? जब अधिकारी नहीं आएंगे तो जनसुनवाई कैसे सफल होगी, तो कैसे समस्याओं का निराकरण करवाओगे? अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहेंगे तो मौके पर मामले को समझेंगे, पीड़ित को सुनेंगे तो जांच और कार्रवाई अच्छी तरह कर सकेंगे। लोग आते हैं, आवेदन देकर चले जाते हैं, बाद में आवेदनों पर कार्रवाई होती भी है या नहीं? कहाँ हैं अधिकारी? जिन्हें खुद आना चाहिए वो अपने सहयोगियों को भेज रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष के बाद विधायक कलेक्टर राजेश कुमार कौल के ऑफिस में गए, उन्हें अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने जब अफसरों की अटेंडेंस लेना शुरू की तो सहकारी कमे में हड़कंप मच गया। विधायक ने कहा, जनसुनवाई सीएम कमलनाथ के फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है लेकिन बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई केवल रस्म अदायगी बनकर रह गई है। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। आज मैंने यहाँ पर और निरीक्षण किया तो, लेकिन जन सुनवाई में 21 अधिकारी में से 12 अधिकारी उपस्थित रहे, अधिकारी भी नहीं रहे, उनके प्रतिनिधि रहे। और मन को बड़ा दुख लगा कि आज कमलनाथ सरकार में जो कमलनाथ जी एक एक व्यक्ति की सुनना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति का हल ढूंढना चाहते हैं और अधिकारी लोग एक भी उपस्थित नहीं है आज जनसुनवाई में, बड़ा खेद का विषय है। और मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि सब पे कार्रवाई करा जाए, अगली जनसुनवाई में पूरे 21 की 21 उपस्थित हो, पहली बात तो ये। और जो जनसुनवाई में काम लेके लोग आ रहे हैं उनके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ढूंढे और अतिशीघ्र उसके निर्वाह करें। शासन को उसकी शिकायत करेंगे? शासन को शिकायत करूंगा, लेटर भेजूंगा कमलनाथ जी को इस बारे में कि यहाँ पर जनसुनवाई में से 12 लोग उपस्थित हुए 21 में से। अभी तक के अधिकारियों की लिस्ट भी अपडेट नहीं दी गई थी? हाँ, अभी तक अधिकारियों की लिस्ट भी नहीं बना पाए, नए अधिकारी जो आए, कम से कम 8 अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर हो गए, उसके नाम ही नहीं है अभी तक इनके पास। बहुत ही समझ में नहीं आया कि कलेक्ट्रेट में हो क्या रहा है। आदरणीय कलेक्टर साहब भी नहीं है तो कलेक्टर साहब से बात करते, इतना मतलब ढीलम बोल चल रही है। नए अधिकारी आए, उनके नाम नहीं है लिस्ट में, उनके नंबर नहीं है लिस्ट में, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ऐसे इस तरह से अगर अधिकारी लोग काम करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी फिर। लंबे समय से कलेक्टर साहब खुद जनसुनवाई में नहीं बैठ रहे। हाँ, तो ये तो उनको समझना चाहिए बात को कि जनसुनवाई आदरणीय कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर की सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जो जनसुनवाई से मतलब ये है कि अंतिम आदमी अपनी तकलीफों को लेकर कलेक्टर के पास जा सकता है, अधिकारी के बीच में जाके अपनी काम करवाए। जब अधिकारी ही नहीं है तो कलेक्टर और अधिकारी काम क्या करेंगे? जब अधिकारी यहाँ पर है ही नहीं तो कमलनाथ जी कितना काम लोड लेंगे? जनसुनवाई में जो विभाग है जिनको यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए, और उसमें से कुछ विभाग आज अनुपस्थित पाए गए हैं। माननीय विधायक जी भी यहाँ पर जनसुनवाई में उपस्थित हुए थे, कुछ विभाग अनुपस्थित हैं। हम जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके जवाब लेंगे और अगली जनसुनवाई में सभी की उपस्थिति सुनवाई में सुनिश्चित करेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।